जय हिंद प्यारे बालक, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार सभी लोग कमेंट में बताइए क्या ऑडियो और वीडियो दोनों सही है, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप सभी लोग बताइए क्या आप सभी मेरी आवाज को ठीक से सुन पा रहे हैं? नहीं, देखिए एक बात सभी को हम इन्फॉर्म कर दें, कुछ बच्चे एप्लीकेशन के लिए भी कंप्लेन करेंगे कि सर पेड बैच वाला क्लास एप्लीकेशन पे नहीं चल रहा है, तो कृपया करके परेशान ना हो। एप्लीकेशन एकदम सही होने की स्थिति में है, बहुत जल्दी सही हो जाएगा और आपका क्लास रेगुलर चलेगा। और जो आपका इधर समय 10 से 15 दिन खराब हुआ है उसके लिए वैलिडिटी बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोग परेशान मत होइए। चलिए सभी कमेंट्स को बंद करके क्लास शुरू करते हैं। आप सभी लोग केवल ये बताओ क्या मेरी आवाज बढ़िया से सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे बढ़िया से देख पा रहे हैं? एक बार सभी लोग बताइए। सतीश, कुंदन, शंकर, विकास, टाइपिस्ट, आर्मी, रॉकी, शंकर, सोनू, स्नेहा। चलिए तो एक एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सारे सोशल मीडिया पे, चाहे आप जो भी चलाते हो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हम लोग क्लास शुरू करेंगे अपना ब्रह्मास्त्र 2.0 वाला बैच, फेवरेट बैच हम लोगों का। इससे बहुत सवाल एग्जाम में फंसता है, इसलिए मैंने लिखा सवाल यही से फंसेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात, और अनुपात एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम अनुपात इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि अनुपात से सवाल आते हैं, हम अनुपात इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अनुपात से सारे अर्थमेटिक के सवाल बनते हैं। तो 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो, परसेंटेज और एवरेज। इससे आपका अर्थमेटिक के सारे चैप्टर में ये काम आते हैं। तो चलिए आप सभी बालक कृपया करके कलम और कॉपी साथ में लेके बैठिए। आपका पढ़ा हुआ है तो भी पहले से, वो भी कलम कॉपी साथ में लेके बैठो। और जिनका पहले से नहीं पढ़ा हुआ है, आज पहली बार रेशियो शुरू कर रहे हैं, वो भी कॉपी कलम लेकर बैठिए। और जो मैं बातें बोलूंगा साथ साथ लिखने का प्रयास करिएगा, और जो सवाल मैं बोलूंगा वो आपको सोल्व करना है। क्या हुआ? वो सवाल सोल्व करना है। और इसका पीडीएफ जो है लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सूरज, पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, आज वाला भी और कल जो करवाए थे सेट उसका भी, ठीक है? पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल में जाना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैथ्स विद श्रवण कुमार, ठीक है? आज की क्लास का पीडीएफ भी रहेगा, और जितना भी हम यूट्यूब पे क्लास करवाते हैं उस सब का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल में भी मिलेगा, ठीक है? चलिए तो सारे लोग शुरू करो। हेडिंग डालिए रेशियो, हेडिंग डालो रेशियो। आप कहिए सर रेशियो मतलब क्या? तो रेशियो का हिंदी होता है अनुपात, रेशियो का हिंदी होता है अनुपात। और हम लोग जो चैप्टर शुरू किए हैं ये अर्थमेटिक का पहला चैप्टर है। तो सर रेशियो का मतलब क्या है? देखिए रेशियो का परिभाषा होता है 2 या 2 से अधिक राशियों के बीच ये तुलनात्मक संबंध बतलाता है। तुलनात्मक संबंध, जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, और ए के पास 800 रुपया है और इसके पास 400 रुपया है, तो इन दोनों के तुलनात्मक संबंध बतलाएगा, अर्थात गुना वाला संबंध बतलाएगा। आप अगर रेशियो लगाना चाहते हैं, यहां रेशियो को 2 डॉट से इंडिकेट करते हैं। आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए, यानी ये 400 से कटेगा, ये 4 गुना 800, और इसको 2:1 बोलते हैं। यानी 2 राशि के बीच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल लेंगे तो वो आपका रेशियो बन जाएगा, और आपका रेशियो जो संबंध बतलाएगा वो गुना का संबंध बतलाएगा। रेशियो ये बतलाता है कि पहले जो ए की राशि है बी का दुगना है, या बी का जो राशि है वो ए का आधा है। ये नहीं रेशियो बतलाता है कि इससे ये 400 ज्यादा है या इससे 400 कम है। रेशियो अधिक या कम का संबंध नहीं बतलाता, रेशियो कितना गुना का संबंध बतलाता है। तो आप सभी लोग सबसे पहले परिभाषा लिखिए इसका, रेशियो के बारे में लिखिएगा। रेशियो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समान जातियों के बीच, समान जातियों के बीच, समान जातियों के बीच तुलनात्मक संबंध, तुलनात्मक संबंध बतलाता है। सर ये तुलनात्मक संबंध क्या है? तो आप लिख सकते हो इसको और अच्छे से, अर्थात यह संबंध यह बतलाता है कि देखो हम चाहते तो पीडीएफ बना के लिखा हुआ ला सकते थे और आपको सीधे पढ़ देते और आपको बोल देते लिख लो, लेकिन अगर हम वैसे करेंगे तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लोगे और वो स्क्रीनशॉट में ही सिमट के रह जाएगा। हम देखो कितनी बढ़िया से आपके बोर्ड पर लिख रहे हैं, जबकि आप कई जगह देखे होंगे कि ये लिखा हुआ ये आते हैं। तो हम जानबूझ के लिख के नहीं लाए हैं, हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप भी मेरे साथ लिखो, आप भी उतना ही मेहनत करो। तो अर्थात यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, राशि का कितना गुना है। एकदम आराम से बैठो और 2-3 घंटा पढ़ो कितना गुना है। ब्रह्मास्त्र बैच हम लोगों को 1 सप्ताह का कोटा 2 दिन में पूरा करना है। अर्थात यह संबंध यह बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। जैसे देखिए हमने एक वर्ड लिखा कि यह समान जातियों के बीच तुलनात्मक संबंध बतलाता है। जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, इसके पास 400 रुपया है, यहां 400 रुपया है और यहां आपका 600 रुपया है। अब ऐसा नहीं लिख देना कि यहां 400 रुपया है, यहां 400 घोड़ा है। तो रुपया का घोड़ा से आपका समान जाति नहीं हुआ, रुपया का संबंध रुपया से बतलाएगा। तो आप देखिए ये एक निश्चित राशि है, अगर आप इसके बीच में रेशियो लगाना चाहते हैं तो 400 का आप 600 में आप काट दीजिए, ये रुपया और रुपया खत्म हो जाएगा। और ये 400 को 200 से काटिए 2 बार में, और ये 600 को काटिए 3 बार में। तो 600 और 400 का रेशियो हो गया 3:2। अगर रेशियो लगाएंगे तो आपका जो इसका कॉमन पार्ट है वो कट जाएगा। यहां कॉमन पार्ट 200 दोनों में है तो 200 कट जाएगा, 3:2 हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि ए वाली राशि बी वाली राशि का 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। ये नहीं कह सकते कि एक कम या एक अधिक, गुना बोलेंगे। ये इसका कै गुना है, 1.5 गुना। जैसे 2 में देखिए 1.5 से गुना करिएगा तो आपका ए का आ जाएगा 3। और अगर आप रेशियो हटाना चाहते हैं, अगर आप रेशियो हटाना चाहते हैं तो यहां आपको एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा 3x और ये लगाना पड़ेगा 2x। रेशियो हटेगा तो वेरिएबल लगेगा और ये वेरिएबल कुछ और नहीं है, ये वेरिएबल है 3x का मान 200, क्योंकि आपका 200 से ही काटे थे और ये दो यहां क्या है 200, तो 2 दूना 400। ये 200 जो है, ये जो 200 है वो x का मान है, अर्थात ये जो है इसका एक गुणांक है, कोफिशिएंट है, और गुणांक जो होगा दोनों साइड एक ही तरह का होगा, अगर इधर 200 तो इधर भी 200। इसीलिए आप कह सकते हैं कि रेशियो में अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी संख्या 0 को छोड़कर गुना कर सकते हैं। तो ये आपका पहला परिभाषा लिख दिया। अब दूसरा नोट ये लिखेंगे, यदि नहीं, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार अनुपात के प्रत्येक पद में, अनुपात के अपनी आवश्यकता अनुसार अनुपात के प्रत्येक पद में गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। अर्थात अगर आपका कहीं दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो अगर प्रथम पद को ax मानिएगा तो दूसरे पद को bx मानना पड़ेगा और तीसरे पद को cx मानना पड़ेगा। यानी जो अगर x में गुना, a में x से गुना किए हैं तो सब में वो गुना करना पड़ेगा। और अब तीसरा पॉइंट देखिए, ये गुना क्यों कर सकते हैं। अगर ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी है, तो अनुपात मतलब तुलनात्मक संबंध होता है, यानी ए बी का कितना गुना है वो बतलाता है। तो आप ए अनुपात बी को ए बटा बी के रूप में भी मैथमेटिकली लिखा जा सकता है। और अगर आप खुद सोचो कि ए बटा बी अगर दिया हुआ है और आपको जरूरत है यहां x से गुना करने का, तो यहां भी गुना कर सकते हैं, क्योंकि वापस से कट के ये a बटा b के ही रूप में लिखा जाएगा। तो अगर a अनुपात b है तो a बटा b लिख सकते हैं, और a बटा b है तो a अनुपात b लिख सकते हैं। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, एकदम चौथा पॉइंट एकदम ध्यान से देखो, आगे जाके ये बहुत काम देने वाला है। अगर ये 600 रुपया था और ये आपका 400 रुपया था, ये ए का धनराशि था, ये बी का धनराशि था, तो आप इसको 00 काटते हैं और ये 3 और 2 काटते हैं, तो आप इसको रेशियो बना देते हैं 3:2। रेशियो हटाते हैं तो 3x और ये कितना है 2x, और ये x का मान कितना है तो x बराबर आपका 200 है, x बराबर आपका 200 है, क्योंकि 200 से ही तो काटे थे, तो 200 से गुना करेंगे तो वापस 3 दूना 600 और 2 दूना 400। तो ये दोनों रेशियो को आप आपस में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, जैसे 3x और प्लस 2x एकदम सही है, आप रेशियो जोड़ के कर सकते हैं 3 दू 5x, क्योंकि x बराबर आपका कितना है 200। तो आप बताइए 5x बराबर 1000, यहाँ 600 और 400 1000 है, तो ये एकदम सही है। आप घटा भी सकते हैं, 3x माइनस 2x आपका कितना हो जाएगा x, और आपका x बराबर कितना है 200। तो आप देखिए 600 में 400 घटाएंगे तो 200, लेकिन आप 3x गुना 2x नहीं कर सकते, क्योंकि गुना करिएगा तो 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा, और आपका गुना करिएगा तो 6x² हो जाएगा और यहां आपका गुना करने पर 6 गुना x² का मान देखिए 2 गुना 2 का स्क्वायर 40,000, 200 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 0, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24। ये आपका गुना करेगा तो 3 गुना 6x² हो जाएगा, 6x² हो जाएगा और 6x² का मतलब 6 चौका 24 और ये आपका ये जो आपका पहले यहां तक आप समझिए, आप रेशियो को जोड़ सकते हैं, रेशियो को घटा सकते हैं, लेकिन आपस में रेशियो को आप गुना नहीं कर सकते। क्यों गुना नहीं कर सकते? आपको हम पहले इतना नोट करिए, उसके बाद इस चीज को समझाते हैं। पहले यहां तक नोट करिए। क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? तो एक बार सभी लोग यस टाइप करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से यस लिखिए। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कॉन्सेप्ट को, हाँ आज रेशियो का फर्स्ट क्लास है, शॉर्ट में ही बता रहे हैं हम। चल तो अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आप समझिएगा। यहां तक सबको क्लियर है? अब हमने रेशियो का परिभाषा बता दिया, आगे देखिए प्रोपोर्शन। अगला हेडिंग डालिए प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। देखिए जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात कहलाता है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा, समानुपात कहलाता है। जैसे देखो अगर A और B का रेशियो और C और D का रेशियो ये दोनों बराबर है तो इसको समानुपात कहते हैं और समानुपात को 4 डॉट से डिनोट करते हैं। और इसको कहते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। और A अनुपात B को A/B के रूप में लिख सकते हैं और समानुपात मतलब समान बराबर और C/D लिख सकते हैं। इसको क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, AD बराबर BC। समानुपात में केवल इतना ही बात जानना है। अब हम आपको सबसे पहले 5 कॉन्सेप्ट बताएंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले यहां तक आप सबको क्लियर है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। हेडिंग डालो पहला कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पहला कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखिए जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, भिन्न के रूप में दिया हो तो आपको क्या करना रहेगा। जैसे देखिए लिखा है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 2/5, तो कभी भी अनुपात को फ्रैक्शन में या दशमलव में नहीं लिखते हैं। हालांकि ये है सही लेकिन ऐसा लिखना नहीं चाहिए, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करें, तो बटा सबका हटाना पड़ेगा। तो बटा हटाने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 3, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60, और 60 से सबको गुना कर देना है। 60 से सबको क्या कर देना है, गुना। तो 20 तिया 60, 20 एकम 20, या देखिए 15 चौका 60, आपका ये हो गया, और ये 12 पचे 60 और 12 दूना 24, तो 20 अनुपात 15 अनुपात 24। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। जैसे आपको 3/4 है, आपका 2/3 है, और 1/2 है, और 5/6 है। अब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन में दिया है, अनुपात क्या में दिया है, फ्रैक्शन में, तो सर्वप्रथम इसके हर का एलसीएम लीजिए और जो एलसीएम आएगा उसमें सबसे गुना कर देना है। तो 4, 3, 2 और 6 का एलसीएम 12, 12 से गुना करिए। तो 12 से गुना करिएगा तो आप यहां भी 12 से गुना करिए, यहां भी 12 से गुना करिए, यहां भी 12 से गुना करिए, और यहां भी 12 से गुना करिए। तो 12 से गुना जब आप कर रहे हैं तो आप मन में भी तो कर सकते थे 4 तिया 12 और 3 तिया 9, और यहां देखिए 3 चौका 12 और 4 दूना 8, ये 2 छक 12 और 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 5 दूना 10। तो जब कभी भी अनुपात फ्रैक्शन के रूप में दिया रहेगा तो हर का एलसीएम से सबको गुना कर देना है। तो जल्दी से आप इसको बना के दिखाइए, 3/8, 1/2, 5/6, इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा, बताइए इसका क्या होगा सॉल्व करके। रोमियो गोलू शर्मा, 5 रुपया अनुपात 500 पैसा हो सकता है? नहीं, 5 रुपया और 500 पैसा, एक तरफ रुपया है और एक तरफ पैसा है, तो ये सेम क्वांटिटी नहीं, सेम आपका ये नहीं है यूनिट, तो यूनिट सेम होना चाहिए। अगर 5 रुपया है और 500 पैसा है तो पैसा को रुपया में बदलना पड़ेगा या रुपया को पैसा में बदलना पड़ेगा, यूनिट सेम रखना पड़ेगा। चलिए आप सभी लोग बना दिए हैं। 8, 2 और 6 का एलसीएम आपका हो गया 24 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, 24 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 कट जाएगा, 24 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24, 5 चौका 20 हो जाएगा, 9, 12 और 20 उत्तर होगा। आप सभी का आंसर आ रहा है 9, 12 और 20। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो पहला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट लिखो सभी लोग। अच्छा, क्लास शेयर नहीं करोगे तब ना मजा आएगा, क्लास शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग, लाइक भी कर दीजिए। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो। देखिए जैसे, तब क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए 2a बराबर 3b बराबर 4c है और इसका रेशियो निकालना है। तो पहले डिटेल से समझो फिर शॉर्टकट में समझना। जब कभी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर रहेगा तो आप मुझे ये बताइए, अगर सब के बराबर हम k मान लें तो आप क्या कहेंगे? सर a बराबर हो जाएगा आपका k बटा टू। क्यों? क्योंकि 2a बराबर अगर k है तो a बराबर k बटा 2 ही ना होगा। तो उसी प्रकार b बराबर क्या होगा? k बटा 3 और c बराबर क्या होगा? k बटा 4। और इन सबों का रेशियो निकालना है। तो जब रेशियो निकालेंगे तो जो कॉमन होता है उसको काट देते हैं। तो क्या आ गया? 1 बटा 2, 1 बटा 3 और 1 बटा 4। और जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में रहता है तो हर के एलसीएम से सबको गुना कर देते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 को गुना करेंगे तो 6, यहां 12 से गुना करेंगे तो 4 और यहां 12 से गुना करेंगे तो 3। लेकिन आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, हम सही शॉर्टकट तरीका बताते हैं। जब कभी भी अनुपात बराबर रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट 4 है। तो 2, 3, 4 का व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। यानी जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो उसके कोफिशिएंट को व्युत्क्रम के रूप में लिख देंगे। यानी 2 है तो 1 बटा 2, 3 है तो 1 बटा 3 और 4 है तो 1 बटा 4 लिख देंगे। एलसीएम क्या होगा? वही 12 लाने के लिए 6, 12 लाने के लिए 4, 12 लाने के लिए 3। हम तो कहेंगे ये भी नहीं करो, आप सीधा यहीं आ जाओ। आप 2, 3, 4 का एलसीएम बोलो। 12 लाने के लिए 6 से गुना, 12 लाने के लिए 4 से गुना, 12 लाने के लिए 3 से गुना। डायरेक्ट यहां पहुंचो। जैसे एक बार और समझाते हैं। जैसे देखिए 3a 3 बटा 4a बराबर 2 बटा 5b बराबर 1 बटा 4c ऐसा है। तो जब अभी आप क्या पढ़े, जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो रेशियो प्रकट करने के लिए उसके गुणांक को उल्टा कर देते हैं। तो यहां 3 बटा 4 है तो 4 बटा 3 करिएगा। आपका 2 बटा 5 है तो 5 बटा 2 करिएगा और 1 बटा 4 है तो 4 बटा 1 करिएगा। वापस वही का काम। 3, 2, 1 कैल्शियम कितना? तो 6 लाने के लिए आप यहां क्या करेंगे? तो 6 से गुना करेंगे। एलसीएम 6 है तो 6 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना 8। 6 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15, 6 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौका 24। लेकिन हम कहेंगे कि जब हमको पता है कि इसको उल्टा करेंगे तो ये नीचे जाएगा और यही इसी का एलसीएम लेंगे, तो हम यही एलसीएम यहां ले लेते हैं। 3, 2, 1 का एलसीएम 6 लाने के लिए 2 से गुना और 4 दूना 8, 6 लाने के लिए 3 से गुना, 5 तिया 15, 6 लाने के लिए 6 से गुना, 6 चौका 24। आप सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से बाई टाइप करिए। क्या दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार जल्दी से बाई टाइप करिए। आलोक प्रासर जो इस फील्ड में है उनसे लड़िए ना। हम गणित पढ़ाते हैं तो मैं तो गणित की ही बात करूंगा। कुश्ती की बात तो कुश्ती वाले सर से करिए। यहां देखिए, तो आप जल्दी से एक सवाल मेरा बनाइए। 3 बटा 5a बराबर 6 बटा 7b बराबर 3 2/5c। जल्दी इसको सोल्व करिए आप। देखिए सबसे देखो एक लड़का है वो कह रहा है कि सर इसको बढ़िया से बताइए। पहले आपको इसका डिटेल समझो तब शॉर्टकट समझ में आएगा। जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर रहता है तो उसका कोफिशिएंट को उल्टा कर देते हैं। तो इसको 5/3 कर देंगे और इसको 7/6 कर देंगे और इसको उल्टा करेंगे तो 5/2 करेंगे और उसके बाद इस 3, 6, 2 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा और 6 से सबको गुना करेंगे। ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब 6 से गुना करेंगे तो ये कटेगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 10। ये 6 से कटेगा 6 बार में, ये हो जाएगा 7 और ये 6 से कटेगा 3 बार में, 5 3 15, 10 7 15। तो यही काम आप यहां करो। आपको पता है कि उल्टा करके ये नीचे जाएगा और इसका एलसीएम होता है तो आप ये एलसीएम यही ले लो मंटू। तो 3 6 2 का एलसीएम कितना 6। अच्छे से जब 3 से भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा। तो आप ये सोचो 6 लाने के लिए यहां 2 से गुना, तो 3 दूना 6 और 2 को ऊपर नीचे गुना करेंगे 5 दूना 10। क्योंकि जब इसको काटते हैं आप 3 दूना 6 और जितने बार में कटता है ये गुना हो जाता है। तो 6 लाने के लिए 2 से गुना और ये इसमें गुना हो जाएगा 10। अब 6 लाने के लिए 1 से गुना, 1 गुना हो जाएगा नीचे 7। 6 लाने के लिए 3 से गुना और ये गुना हो जाएगा नीचे 5 3 15। जैसे मान लिया जाए आपके सवाल पे दिया हुआ है, मान लिया जाए 5a = 6b, इसका रेशियो क्या होगा। तो आप यहां ध्यान से देखेंगे कि ये आपका उल्टा हो जाता है। जब बराबर रहता है तो 1/6 और 1/5 यही होगा। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो रेशियो निकालने के लिए उसके कोफिशिएंट को उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा कर दिए, 6 5 का एलसीएम 30, तो 30 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 30 से गुना करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो जब 2 गो ही बराबर रहेगा, जब 2 गो बराबर रहेगा तो कुछ मत करिए, बी वाला ए में दे दीजिए और ए वाला बी में दे दीजिए, ए वाला बी में दे दीजिए, सिंपल। जब 2 गो रहे, जैसे एक बार आपका परसेंटेज में पूछा एक्स का 50% बराबर y का आपका 70%। आपसे पूछा x और y का रेशियो क्या है। तो आप कुछ नहीं करिए, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। जब 2 गो बराबर रहे तो y वाला x के पास भेज दीजिए, x वाला y के पास भेज दीजिए। तो 2 कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझिए, रेशियो को आपस में मर्ज करना, यानी रेशियो को आपको कॉमन टर्म से रेशियो को मर्ज करना, मिलाना। चले तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलें, जल्दी बताइए। चलिए सभी लोग रेडी हैं। नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा कॉन्सेप्ट, रेशियो मर्ज करना। रेशियो मर्ज करना देखो, अगर आपका दिया रहे A/B = 4/7 और B/C बराबर 2/3 और आपको निकालना है A/B/C। देखो तो रेशियो को मर्ज करना यानी रेशियो को बैलेंस करना हम सीख रहे हैं। तो यहां देखें, यहां ये दोनों जगह कॉमन है और ये दोनों जगह कॉमन है। तो यहां पर आपका b है और यहां भी b है, बट यहां पे 7 है, यहां पर 2 है। तो ये तो गलत बात है, दोनों जगह b है तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए इसमें 2 से गुना करिए और इसमें 7 से, क्योंकि रेशियो में अपनी आवश्यकता अनुसार गुना कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर इधर 7 से गुना करिएगा तो इधर भी 7 से गुना करना पड़ेगा। आपको हम ये नोट में लिखाए भी हैं, देखिए अपनी आवश्यकता अनुसार अनुपात के प्रत्येक पद में गुना कर सकते हैं, लेकिन एक में गुना करिएगा तो ये गुना सब में करना पड़ेगा। याद आ गया? तो इसीलिए आप यहां पर 7 से गुना करेंगे तो यहां भी 7 से गुना, यहां 2 से गुना करेंगे तो यहां भी 2 से गुना। अब रेशियो मर्ज हो गया, A बराबर 8, B बराबर यहां चाहे यहां से 14 और C बराबर 21। ये आपका रेशियो का बैलेंस करना हुआ। तो आप जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करके बताइए, A अनुपात B बराबर अगर 3:5 है और B अनुपात C बराबर अगर आपका 4:9 है, तो आप बताइए ABC का मान क्या होगा। देखो यहां पर 4 है और यहां पर 5 है, तो रेशियो को मर्ज कर दो। यहां 5 से गुना करेंगे 5 चौका 20, यहां 4 से गुना करेंगे 5 चौका 20, तो यहां भी 4 से गुना करो, यहां 5 से गुना करो, तो यहां A बराबर 12, B बराबर 20 और C बराबर 9 बचे 45। एक बार और सोल्व करिए, A अनुपात B बराबर 2:5, A अनुपात C बराबर 8:3। आप जल्दी से बताइए ABC का रेशियो क्या होगा। ABC का रेशियो बतलाइए। तुरंत आप सभी को नींद भी आने लगा, बताओ अभी क्लास शुरू भी नहीं हुआ है और आप सबको नींद आने लगा। अरे जागो, जागोगे तभी पाओगे, सोओगे खोगे। अभी सोना मतलब आपका सब कुछ खोना, इसलिए जागो मेरे भाई, पढ़ो। क्या समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, लेकिन सोने मत जाओ। ये आपका नींद किसको अच्छा नहीं लगता? हमको नहीं अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि मेरे विद्यार्थी को जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो, जल्दी जल्दी वो मेरे पास मिठाई लेके आए, हम उनसे मिले, खुश हो। लेकिन आप लोग पता नहीं आप लोग को नींद इतना आता है क्यों। यहां देखिए, यहां A है और यहां A है, यहां 8 है और यहां 2 है। मर्ज करिए, बैलेंस करिए, दोनों जगह सेम करिए। A को तो A को सेम करने के लिए खाली ऊपर 4 से गुना कर दो, बस सेम हो गया। A बराबर 8, B बराबर 20 और C बराबर 3। C बराबर 3, 8, 20 और 3, 8, 20 और 3, 8, 20 और 3। आठ, 20 और 3। भाई कुछ लोग 40 कैसे ला रहे हैं? अरे तुम ऐसे भी अगर कर रहा है कि A अनुपात B बराबर 2:5 और A अनुपात C बराबर कुछ 8:3, तो भाई मेरे इसको हर बार यही नहीं करना है कि इसको यहां से गुना, इसको यहां से गुना। गधो, ये समझो कि यहां B मैच कर रहा था तो B को मिलाए, यहां A मैच कर रहा बेवकूफ तो इसको मिलाएंगे। तो ये 8 है और ये 2 है, इसको सेम करो। तो 8 को 2 को 8 बनाने के लिए कैसे गुना? 4 से, तो इधर भी 4 से। इधर कुछ गुना ही नहीं किए तो फिर इधर तुम 5 से गुना क्यों कर रहा है? मैच ये हो रहा है ना, तो केवल ए को बैलेंस करेगा, तो केवल ऊपर में 4 से गुना करने से काम चल गया। तो आप इधर इसको क्यों कर रहे हो? बी थोड़ा मैच करना है, ए मैच करना है। तो ए बी सी का रेशियो आपका हो जाएगा 8, 20 और 3 रहेगा 15 ला रहा है। चलो एक बार और बनाओ, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और सी अनुपात ए बराबर 5:6 आपका 6। अब बताओ ए बी सी का मान क्या होगा? ए बी सी जो मैच कर रहा है ना, केवल उसको मैच करेंगे। चलिए देखो, ये आपका ए इस बार मैच कर रहा है, तो इसको मिलाओ। यहां ये 6 है और यहां 3 है, तो आप ऊपर में खाली 2 से गुना कर देंगे, तो ये भी 6 बन गया, ये भी 6 बन गया। इधर 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना। इधर गुना करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो नहीं करेंगे। तो ए का मान 6 हो गया, बी का मान 8 उठा लो और सी का मान 5 उठा लो। अब बताओ ओके है सबको? ओके है जल्दी से बताओ, यस टाइप करो, बाई टाइप करो अगर यहां तक क्लियर है तो। एक सवाल और बताएंगे, इसके बाद आप लोग अपने कलम को उठा लो और सवाल पे शिकार करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो, तो अब पहले एक आखिरी कॉन्सेप्ट और सीखो, फिर इतना जितना पढ़ा है उसका क्वेश्चन बनाओगे, फिर नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। अब आपका ये बहुत सारा रहे, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर आपका 3:4 और ये आपका बी अनुपात सी बराबर 2:3 और सी अनुपात डी बराबर आपका 1:2। अगर ये रहेगा तो आपको यहां, हालांकि इसका और शॉर्टकट तरीका बताएंगे, ऑप्शन रहेगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक भी मालूम होना चाहिए। और यहां से ए बी सी डी की जानकारी आपको निकालना है, तो एक ही सवाल सिखाएंगे और एक आपको बनाना है। यहां ऐसे सवाल बनाने में ये सी डी होना चाहिए, ये सी, देखो बी का यहां कनेक्शन होना चाहिए, ए बी तो बी सी तो फिर सी डी, यानी ये सी डी आपका कनेक्ट होना चाहिए, तभी निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकल पाएगा। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला निकालना आसान है। देखो फर्स्ट वाला निकालने के लिए सब लेफ्ट साइड को गुना कर देना, 3 × 2 × 1 3 × 2 = 6। लास्ट वाला निकालने के लिए सब लास्ट को गुना कर देना, 4 × 12 × 24, तो ए का मान आ गया और डी का मान आ गया। अब आपको निकालना है किसका मान, बी और सी का। तो आप यहां देखिए, बी से ए और बी का मान निकालना, ए बी, तो ए बी यहां है, तो यहां देखिए ए यहां 3 है और बी यहां 4 है, तो ए का भागा ए से करना, 6 को भागा देना 3 से, तो 2 आएगा और 4 × 8 बी आ जाएगा। बी से सी जाना है, तो बी से सी यहां जाएंगे, तो 2, 3, तो बी का भागा बी से 8 भागा 2 4 और सी से गुना 4 × 12। अगर सी से डी जाना रहता तो सी से डी यहां है, 12 भागा 1 12 और गुना 2, 12 × 2 = 24। नहीं समझ में आया, हमको पता है आप लोग कितना आलसी हो। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 1:2, सी अनुपात डी बराबर 3:4 और डी अनुपात ई बराबर 2:1। अब आपको निकालना है यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। तो देखिए अगर ऐसा रहा तो ए निकालने के लिए और ई निकालना बहुत आसान है। सब लेफ्ट साइड को गुना कर दो, 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 दूना 12, ई निकालने के लिए 3 दूना 6, 6 चौका 24, 1 एकम 24। ए और ई में किसी को दिक्कत नहीं ना है, लेफ्ट साइड गुना करोगे ए निकलेगा, राइट साइड गुना करोगे ई निकलेगा, ए और ई में किसी को दिक्कत नहीं है। अब बी कैसे निकालेंगे, एकदम शानदार तरीका समझो, ए का भागा करना ए से, 12 भागा 2 6, और बी निकालने के लिए बी से गुना करना, 6 तिया 18। आगे देखो, बी से सी जाना है, बी से सी यहां जाओगे, 18 भागा 1, बी का भागा बी से, और जिसको निकालना है गुना, 18 दूना 36। सी से डी जाना है, सी से डी यहां है, 36 का भागा 3 से, 12, और 4 से गुना 12 चौका 48। आगे देखो, डी से ई जाना है, 48 भागा 2 24, 24 एकम 24। अगर आपका कटता है तो आप काट भी सकते हो, जैसे देखिए 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चक 36, 8 चक 48, और 6 चौका 24। 2 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 4 आ गया, 2 अनुपात 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 4। एक चीज और बताते हैं, अगर मान लिया जाए आपको ए और ई केवल निकालना रहेगा, ए और ई, तो आपको ए का मान कितना आया 2, और ई का मान कितना आया 4, तो रेशियो हो गया 1 अनुपात 2, ए और ई का मान। तो ए और ई का मान निकालना है तो आपको, इसमें हम डायरेक्ट शॉर्टकट बताते हैं, ए और ई निकालना रहे तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, अगर बड़ा डाटा रहा तो गुना करने में परेशानी आएगा, जो तिरछा तिरछी कटता है काट देना, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तिरछा तिरछी काटना, और 2 दूना 4 कैंसिल। अब यहां बचा 1 एकम 1, ए का मान 1, और 2 एकम 2, ए और ई आ गए। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि ए और ई निकालने के लिए लेफ्ट साइड का गुना करते हैं, तो 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2, और ई निकालने के लिए राइट साइड का करते हैं, 3 गुना 2 गुना 4 गुना 1। तो आप देखो यहां जब आप ए और ई निकालते हो तो ये 2 से 2 कटा कि नहीं, तो इसीलिए हम यहां 2 से 2 काटे, और देखो 3 से 3 कटा कि नहीं, इसलिए हम 3 से 3 काटे, और यहां देखो ये 2 दूना 4 कटेगा कि नहीं, इसलिए हम 2 दूना 4 काटे, या 2 से 2 काटे, तो 1 अनुपात 2 आ गया। तो जब केवल पहला और लास्ट निकालना रहे और गुना कैलकुलेटिव हो तो तिरछा तिरछी जो कटेगा वो काटेंगे, लेकिन अगर पूरा निकालना हो तो फिर नहीं काटेंगे, पूरा निकालना हो तो पूरा डिटेल से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या यहां तक आप सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार यस टाइप करो, और क्या आप शिकार करने के लिए तैयार हो? बताओ, क्या आप सारे शिकारी शिकार के लिए तैयार हैं? कमेंट में अगर तैयार हैं तो यस लिखो। बोले सारे शिकारियों, क्या शिकार के लिए तैयार हो? अगर शिकार के लिए तैयार हो तो कलम में लगाओ धार, और क्वेश्चन पे करो बार। चलो, तो सारा देखो, एक बात सभी बालक को बताते हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट लिखा है बउआ, आप ये शॉर्ट क्लास है आपका। जब कभी आपका एग्जाम है, मान लिया जाए आपका जीडी का एग्जाम है, अभी फिलहाल बिहार एसएससी का एग्जाम है, बाकी का एग्जाम तो सेकंड हाफ ईयर में है, तो उसके लिए तो हम लोग फिर से क्लास करेंगे, प्रैक्टिस बैच। अभी तो हम लोग बिहार एसएससी जीडी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो चैप्टर वाइज है वो सारे एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एकदम शॉर्ट नोट्स के नियम अनुसार, तो आप इसकी कॉपी बनाओगे तो जब कभी भी आपका एग्जाम रहेगा तो 2 घंटा और 2.5 घंटा का वीडियो देखने में आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपके कॉपी पे रहेगा, फटाफट उलट के रिवीजन कर लीजिएगा, और रिवीजन आपको एग्जाम में इतना मदद करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वाला, ये और ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, तो इतना तक कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, उसके बाद यहां से हम लोगों का शुरू हो गया आपका टॉपिक। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और यह हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है, निम्न में कौन सा अनुपात सबसे कम है। तो पहला क्वेश्चन हम ही शुरुआत कर देते हैं। ये 3:22 को लिख सकते हैं 3/22। आपको बताए ना A/B को क्या लिखोगे, A/B लिखेंगे सर। और 17/5 को लिख सकते हैं 17:5 को लिख सकते हैं 17/5। 23:29 को लिख सकते हैं 23/29। पीडीएफ के लिए कोई नहीं चिल्लाएगा, कोई कमेंट नहीं करेगा। पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। यहां देखो, आप समझ सकते हो जब यहां भागा देंगे तो पॉइंट से शुरू होगा, यहां भागा देंगे पॉइंट से शुरू होगा, यहां भागा देंगे पॉइंट से शुरू होगा, लेकिन यहां भागा दीजिएगा तो 3 दशमलव कुछ शुरू होगा, इसलिए हमारा उत्तर सी ऑप्शन होगा। फ्रैक्शन पढ़ाए थे आपको, याद है, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका मान 1 से बड़ा हो, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका मान 1 से छोटा हो। तो ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के ग्रुप में बड़ा होता है। क्लियर? शुरुआत अच्छा हुआ आपको। याद आया सभी को? चलिए अगला सवाल अभी बनाएंगे तुरंत। लो लिखा है A/B/C का मान ज्ञात करिए, रेलवे में आया हुआ सवाल। तो आप क्या सीखे थे? जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहेगा, बोलो शिकारियों, तो इसका कोफिशिएंट 1/4, 1/5, 1/6 उलट देंगे तो 4/1 अनुपात 5/1 अनुपात 6/1। बट्टा में 1 का एल्सियम वगैरह लेने से कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब नहीं। आंसर 4, 5, 6। क्या लिखा है? अच्छा, एक सेकेंड, यहां जो लिखा है, एक सेकेंड रुकेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहां पे लिखा हुआ है बाबू कि कौन सा अनुपात सबसे कम है। मैं सबसे ज्यादा पढ़ लिया, कौन सा अनुपात सबसे कम है। तो ये आपका ज्यादा है, कम या तो 3/22 होगा, ये आपका 23/29 हो सकता है, या आपका 5/19 हो सकता है। ये तो आपका सबसे बड़ा हो गया, तो इसको छाट दो। हम ध्यान नहीं दिए, सॉरी, कम पूछा है, बहुत अच्छा। तो इसको क्रॉस गुना करके चेक करिए। गुना करेगा 29 तिया 87 हो जाएगा। आया देखिए 22 तिया 66 और 22 दुना 44 से ये आपका ज्यादा हो जाएगा। इसको गुना करेगा तो 22 तिया 66, 22 दुना 44, 44 अच्छे आपका 50, 506, ये ज्यादा हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए। अब 3/22 और 5/9 में कंपेयर करिए 19 में। तो 19 तिया 57 और 22 पचे 110। हमको छोटा ढूंढना है, तो ये तो ज्यादा हो गया, ये आपका कम हुआ, सबसे कम 3/22। तो जिसका आंसर 3/22 आया है वो एकदम सही लाए हैं। चलिए बताने के लिए शुक्रिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, हमको लगा सबसे अधिक पूछा है, सबसे कम पूछा है। सबसे कम तो सबसे कम 3/22 होगा। जिन बालकों का आंसर 3/22 है एकदम सही है। नेक्स्ट, ये तो क्लियर हो ही गया, 4/5, 5/6। यहां आ जाओ, इस सवाल को बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये भी रेलवे में पूछा हुआ सवाल है कि यदि A का 1/3 बराबर B का 3/4 बराबर आपका C का 1/6। आप सभी को बताए हैं या तो इसको उल्टा कर लो 3/1 और 4/3 और 6/1 और एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 × 3 9, 4 और 6 × 3 18, 4 9 18 आपका सी ऑप्शन। लेकिन हम इतना क्यों करें, हम यही एलसीएम ले लेंगे, इसी को उल्टा करना है ना, तो 1 3 और 1 का एलसीएम 3 लाने के लिए 3 से गुना और 3 × 3 9, 3 लाने के लिए 1 से गुना, 4 × 1 4, 3 लाने के लिए 3 से गुना, 6 × 3 18, 9 4 18 में कट, 9 4 18 में कट नहीं रहा है, इसलिए कट ही नहीं रहा तो नहीं काटेंगे, कटेगा तो काट देंगे, 9 4 18 हो जाएगा। फिर आज एक लड़का को नींद आ रहा है, कल हम समझाए थे कि नींद आएगा तो क्या करना है, नींद आ रहा है तो फिर तुरंत नींद टूटने का दवा हम दिए हैं, कर ले जाके उसको सेवन कर लीजिए, तुरंत नींद खत्म हो जाएगा। ये बताओ आज कम से कम 2 घंटा पढ़ना है, अभी मात्र 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा और सब लोग एकदम नींद तोड़ के और हाथ पैर मोड़ के चुपचाप पढ़ना है, क्योंकि अभी आप कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी आप तो शुरुआत किए हैं और हम लोग को तो अभी पूरा जमीन नापना है। तो इसलिए जीवन में सितारे की तरह चमकने के लिए थोड़ा सा रात को जागना भी पड़ता है। देखो देखो अगर नींद आता है तो मैं लिटरली बता रहा हूं, मतलब एकदम जो मैं करता हूं, अगर पढ़ते समय नींद आता है तो साथ में एक पानी का बोतल रखो और जब नींद आए थोड़ा सा पानी पियो, फिर पढ़ना शुरू करो, फिर नींद आए तो फिर पानी थोड़ा सा पियो और पढ़ना शुरू करो। इससे तुम्हारा नींद भी टूटा हुआ रहेगा और पानी पीने से तो स्वास्थ्य अच्छा रहता ही है। और ठंड का दिन है, थोड़ा गर्म पानी रखो हल्का। देखो जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर रहे तो सबसे पहले तो प्रतिशत काट लो, जो कटता है काट लो, 5 × 3 या 15, 3 बाई नहीं, यहां आपका 3x और इसको काट लो, 5 × 5 = 25, 5 बाई, और इसको काट लो, 10 × 5 = 50 से। और इसके पहले हम सिखाए थे कि यहीं पर एलसीएम ले लीजिए, यहीं पर एलसीएम ले लीजिए तो आपका एलसीएम हो जाएगा 150। 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 10 = 50, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 लाने के लिए 10 से गुना, 30 लाने के लिए 6 से गुना, 30 लाने के लिए 3 से गुना, 10 : 6 : 3, जो कि हम डिटेल में बताए थे। बराबर रहने पर रेशियो उलट जाता है, कोफिशिएंट 1/3, 1/5 और 1/10, कोफिशिएंट को उलट देते हैं, 1/3, 1/5, 1/10, 3 × 5 = 10, एलसीएम 30, 30 से गुना करेंगे 10, 30 से गुना करेंगे 6 और 30 से गुना करेंगे 3। लेकिन हम इतना क्यों करेंगे, हम यही काटेंगे एग्जाम में, ये सवाल अगर एग्जाम में है तो हम तुरंत यही काटेंगे। 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 3 का एलसीएम 30, 30 लाने के लिए 10, 30 लाने के लिए 6 और 30 लाने के लिए 3, 10 : 6 = 3 रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। चलो इसको बताइए क्या आंसर होगा, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, लिखना भूल गए हम कौन से एग्जाम का है, बट एग्जाम में ही है, कुछ बनाओ। देखो 3, 5 और 4 यहीं पे एलसीएम मारो, आप देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका 60, 60 लाने के लिए 20, 60 लाने के लिए 12 से गुना, 60 लाने के लिए 15 से गुना, 20 12 15 ऑप्शन हो गया सी। अब हम आपको एक तरीका और समझाते हैं, सभी बालक ध्यान दीजिएगा, सभी बालक ध्यान दीजिएगा, आपको हम एक तरीका और सिखाते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि पूरा को सॉल्व करें, आप चाहे तो दो गो को ही सॉल्व कर सकते हैं। इन दो गो अगर बराबर रहेगा तो इसका वाला इधर, उसका वाला इधर, तो आपका 5:3 का रेशियो आना चाहिए, यानी x 5 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं है, x 5 का मल्टीपल नहीं है, और y 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल है। आंसर हो गया सी ऑप्शन। इस प्रकार से एग्जाम में सोल्व करना, आपको हर वो तरीका बताएंगे जिससे आप कितना भी बड़ा चक्रव्यूह हो वहां से कैसे आसानी से निकला जा सकता है। नेक्स्ट ये बनाओ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है, A∗B = 2∗5 और C∗B = 3∗4। बच्चा पार्टी यहाँ B = 5 है और यहाँ B = 4 है। B को बैलेंस करो, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 से गुना कर दो और यहाँ आप 5 से गुना कर दो। अब देखो B का बैलेंस कर लिया आपने, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ 20 है और यहाँ भी 20 है, B दोनों जगह सेम हो गया, तो A = 8 हो गया, B = आपका 20 हो गया और C = आपका 15 हो गया। 8, 20 और 15 आपका ऑप्शन B हो गया। लेकिन हम कहाँ इतना करने वाले हैं, हम तो और खतरनाक तरीका लगाएंगे, आप देखो कैसे लगाना। A और B का रेशियो 2:5, यानी A 2 का मल्टीपल, B 5 का मल्टीपल, तो यहाँ देखिए 3 दूना 6, 3 पचे 15, 4 दूना 8, 4 पचे 20, ये भी है, ये भी है, सब है। आगे देखिए C∗B जो है 3-4 का रेशियो होना चाहिए, तो C 3 का मल्टीपल नहीं है, C 3 का मल्टीपल नहीं है, खत्म। C 3 का मल्टीपल है और आपका B 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो B 4 से कटने वाला होना चाहिए, B 4 से नहीं कटता है, तो ये आंसर हो गया। हम तो ऐसे बनाएंगे। क्या दूसरा वाला तरीका आपको समझ में आ रहा है, जो हम आपको ऑप्शन से जो बता रहे हैं, क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? क्या ऑप्शन वाला तरीका आपको समझ आ रहा है? जल्दी बताओ, ऑप्शन वाला तरीका आप सभी को समझ आ रहा है? एक बार जल्दी से कमेंट में बताइए। चलो तो नेक्स्ट बताओ, अभी जैसे बताएं वैसे ही सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी जैसे आपको छाटने बोले, अरे यार ये तो आपका यहां एक्स्ट्रा लिखा गया है, देखो B यहां 3 है और B यहां 6 है, तो 3 6 बनाने के लिए 2 से गुना, तो A हो गया 4, B हो गया 6 और C हो गया 8, तो रेशियो हो जाएगा 2, 3 और 4, ऑप्शन हो गया B। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, A भी 2-3 का रेशियो होना चाहिए, A भी 2-3 का रेशियो नहीं है, बाकी तीनों जगह रेशियो 3 का है, जबकि C 8 का रेशियो होना चाहिए। BC 8 का रेशियो, मतलब काट के भी लिख सकता है, 3:4, तो BC 3-4, बी 3 से कटना चाहिए तो 3 से सब कट रहा है, लेकिन सी 4 से कटना चाहिए, सी 4 से ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, इसलिए सवाल का उत्तर तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको बताइए। देखो यहां आपको सॉल्व करना होगा, इस प्रकार है x अनुपात y बराबर 6:5। आगे बढ़ो, y अनुपात z बराबर 9:4 और z अनुपात w बराबर आपका 2:3। अब इसको काटने मत लगना, काटना तब जब आपसे x और केवल w पूछता, लेकिन यहां तो आपका z भी पूछ रहा है तो आपको काटना नहीं है। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा x, y और z को। इधर से गुना करो, 9 × 54 × 108 और 5 × 20 = 60। तो ऐसे आप यहां देखेंगे 108 में 6 से भागा दीजिएगा तो 18 से 18 × 5 = 90 और 90 में 9 से भागा दिया 10, 10 × 4 = 40। आपसे पूछा है x बराबर 108, z बराबर आपका 40 और w बराबर आपका 60। अब यहां देखिए ये कटेगा आपका 4 से 15 × 60, 10 × 40 और 4 से 27 × 108। 27:10:15, 27, 10 और 15 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 27, 10 और 15। आप सभी को नींद नहीं आ रहा है ना? देखिए एक बच्चा कह रहा है कि सर एक टाइप का 3 ही क्वेश्चन रखिए। बाबू मैं एक टाइप का 1 ही क्वेश्चन रखने वाला हूं, लेकिन मुझे लग रहा है जो सवाल आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी क्वेश्चन की संख्या थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आप रेशियो देखना, जल्दी खत्म हो जाएगा। आप देखो ये 9 नंबर बताइए, चलो देखो। इस सवाल को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, सॉल्व करने का तरीका तो बता ही दिए हैं ऑप्शन से बनाने का। ए बी का रेशियो 2:3, तो ए और बी 2:3, 3 से कटना चाहिए बी, यहां बी 3 से नहीं कटता, ही नहीं होगा। बी सी, सी 5 से कटना चाहिए, सी 5 से कटना चाहिए, सी 5 से कट रहा है और बी 4 से भी कटना चाहिए, बी 4 से यहां नहीं कट रहा है तो इसलिए यह नहीं होगा। सी डी, सी 6 से कटना चाहिए, डी 7 से कटना चाहिए, सी 6 से कटता है, डी 7 से ये नहीं कटता है, इसलिए सवाल का उत्तर सी ऑप्शन होगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट बताना है, उस क्वेश्चन को तो रखना ही पड़ेगा ना। खाली आप लोग थको नहीं, बाकी तो मैं आपको 3 क्लास में तो रेशियो खत्म कर देंगे, 3 क्लास काफी है। ये बताओ ए बी 4:5, बी सी 3:10, ए और सी का रेशियो बतलाओ। तो आप खुद बना लोगे, आप खुद बना लोगे इसका। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो अगर आसमान में ऊंचा उड़ना है तो पंख को हवा के झोंके से विचलित नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो रात में सोना नहीं चाहिए, जुनून होना चाहिए आपको पढ़ने का। तो मतलब ऐसा नहीं बोलना कि रात में सोना ही नहीं चाहिए, आपको अभी विद्यार्थी जीवन के लिए सोने का टाइम नहीं है। आप सो लेना 10:30 में, अपना खाना वगैरह खा के सो लेना। कुछ कामयाबी पाने के लिए कुछ सपनों को, कुछ खुशियों को त्यागना भी पड़ता है। तो अभी आपका विद्यार्थी जीवन है, आप समझ सकते हो कि अभी के जीवन का मेहनत से पूरी जिंदगी हमको खाना है इसी के पढ़ाई के बदौलत। जब आपको पता है इसी पढ़ाई की बदौलत आपको पूरी जिंदगी सुख करना है, तो थोड़ा सा तो अभी दुख करना पड़ेगा। तो इसमें दुख वाली बात क्या है? घर में बैठे हुए हो, आराम से पढ़ रहे हो, और दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना। वरना उन लोगों से पूछो जो अभी सर्दी के टाइम में खेतों की रखवाली करते हैं, ठंड के दिनों में कपकपा कर अपना एक आशियाना बनाते हैं छोटा सा, और खेत की रखवाली के लिए आपके ही पिताजी होंगे या आपके ही घर से कोई ऐसे भाई होंगे जो आपको पढ़ाने के लिए खेतों में जाग रहे होंगे ठंड के दिनों में, और आपको नींद लगता है, आपको भूख लगता है। अब उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपको तो जी तोड़ मेहनत करना चाहिए, अपने खून को में उबाल लाना चाहिए आपको। आपके सफलता का जुनून आंखों में दिखना चाहिए। नींद आ रहा है, ये आ रहा है, देखिए B का मान 5 है, यहां B का मान 3 है, तो सेम कर दीजिए। यहां 3 से गुना और यहां 5 से गुना, यहां 5 से गुना, यहां गुना तो यहां भी गुना, यहां 3 से गुना तो यहां भी 3 से गुना। आपसे क्या पूछा? A और C, तो A हो गया 12 और C हो गया 50, तो आपका काट के हो गया 6 और 25। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर D ऑप्शन होगा। चलो इस सवाल को बताइए। देखो ये लिखा हुआ है बाबू, A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, B अनुपात C बराबर आपका 2 ही अनुपात 3, लेकिन C अनुपात D बराबर तो छूटा हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम 3 अनुपात 4, जो होगा देखा जाएगा। ऑप्शन मैच किया तो मैच किया, नहीं तो जो आएगा वही आंसर होगा। और A और D का रेशियो, अगर आपका ये कॉमन पार्ट है और केवल फर्स्ट और लास्ट ही निकालना है, तो दो तरीका है। एक तरीका आप गुना कर लो, 3 तिया 9, 9 दूना 18 और 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 1 अनुपात 2 आ गया। और नहीं तो आप जो कटता है काट लेंगे, 3 से 3 खत्म, और यहां आपका 1 सेकेंड, 3 दूना 6 दूना 12, 1 मिनट गलत कर दिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 तिया 12 दूना 24, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 होगा। तो और ये काट के रेशियो हो जाएगा 1 अनुपात 3। यहां देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 दूना 4 से 4 कैंसिल, लेफ्ट साइड 1 राइट साइड 3। तो आपको बताए थे कि जब कभी भी फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तो तिरछा तिरछी जो कटेगा वो काट भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट बताइए इसका आंसर क्या होगा। 12 नंबर सवाल है, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। देखो x अनुपात 2 बराबर 4 अनुपात 5, और आगे देखो y अनुपात z बराबर आपका 5 अनुपात 7, और z अनुपात w बराबर आपका 7 अनुपात 9। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है x अनुपात w, यानी फर्स्ट और लास्ट को पूछा है। तो फर्स्ट और लास्ट को पूछा है तो देख लेना सीढ़ी बना हुआ है कि नहीं। अगर बना हुआ है तो जो तिरछा तिरछी कटता है काट दो, ये 4 बच गया और ये 9 बच गया तो आपका रेशियो भी हो जाएगा 4:9। इससे आसान नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से आ जाओ। देखो अब रेशियो संबंधित प्रश्न में कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं। आप सभी लोग रेडी हो जाओ, हम एक सवाल बताएंगे, बाकी का आपको बनाना है। देखिए क्या लिखा है, दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए का 10%, ए का 10%, ए का 10% और क्या लिखा है बी का 8%, बी का 8%, ए का 10% और बी के 8% का योग कर दिए। ए का 12%, ए का 12% और बी के 16%, बी के 16% के योग का 3/5 है। इसके योग का 3/5 है, यह सवाल लिखा हुआ है। तो ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है, ए और बी का अनुपात ज्ञात करना है। सुनो ध्यान से, यह सवाल लिख रहा है ए का 10% और बी के 8% का योग, ए के 12% और बी के 16% के योग का 3/5 है। हम आपको डायरेक्ट सोल्व करना सिखाते हैं। देखिए ये 5 जो है इधर से गुना, इधर भागा है, इधर आके गुना हो जाएगा, इधर आके गुना हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, 10 × 5 = 50 A% और यहाँ 12 × 3 = 36 A%। तो 50 36 से इधर आके घट जाएगा, तो 50 से 36 जाएगा, 14 A% हो जाएगा, 14 A%। यहां देखिए 8 × 5 = 40 B%, यहाँ 16 × 48 B%। उधर जाके 48 में से 40 घट जाएगा, 8 B%। और आप सब जानते हो परसेंट से परसेंट खत्म, 2 × 14 और 2 × 4 = 8 बराबर रहने पर रेशियो उलट जाता है और आपका हो जाएगा 4:7। आंसर हो जाएगा 4:7। अगर ये वाला क्वेश्चन समझ गए तो इस टाइप का हम 5 क्वेश्चन लिखे हैं, अभी आपको तुरंत बनाना है। क्या ये सवाल आपको समझ में आया? जल्दी से हाँ लिखिए। जिसको जाना है जाने दो, लेकिन जिसको कामयाब होना है वो आपस में वो पढ़ते रहिए, वो मेरे साथ पढ़ते रहिए। आज तो किसी भी हालात में वो कर गुजर जाना है जो आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं किया है। यानी लगातार पढ़ना है जब तक कि आपका आंख एकदम नींद के लिए जवाब ना दे जाए। खाना जिनको खाना है भाई बगल में खाना रख सकते हो, खाना खाते हुए भी पढ़ सकते हो। विकास यादव लिख रहा है समझ में नहीं आया। अरे भाई विकास, कैसे तुम्हारा नाम विकास है? ए का 10%, ए का 10% और मतलब प्लस बी के 8% का योग, ए का 10% और बी के 8% का योग, ए के 12%, ए के 12% और बी के 16%, बी के 16% का 3/5 है। इसका 3/5 है। तो आप बताओ ये भागा में है, इधर आके गुना में हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब इसको गुना करोगे तो 10 × 5 = 50 A% मेरे भाई, और उसके बाद 8 × 40 B%। बोलो, और उसके बाद ये बराबर हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 12 × 36 A%। कैसे तुम पढ़ता है बताओ? ये आपका 16 × 48 B%। अब आप बताओ यहां पर 36 से इधर आके घटेगा, 50 से 36 14, ये 40 उधर जाके घटेगा, 48 में से 40 जाएगा बी, 8 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखो, अगर दोनों साइड बराबर रहे तो समान जाति, ये प्लस वाला और ये भी प्लस वाला, एक साइड आके घटेगा, एक माइनस एक प्लस रहेगा तो एक साइड जाके जुटेगा। चलो एकदम सेम सवाल CHSL में भी आया और आपसे पूछा गया। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? इसको सॉल्व करिए। आपके पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड मैंने दिया आपको, जल्दी सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। नीरज कुमार लिख रहे हैं आरआरबी का न्यू वैकेंसी। भाई वैकेंसी जब आना रहेगा उसको आ जाएगा और उसके लिए आप लोग सारे लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं। आपको वैकेंसी आने के इंतजार के साथ साथ अपने कलम की ताकत को भी बनाना पड़ेगा। कल वैकेंसी आ जाएगा, आपके कलम में ताकत ही नहीं है, आपके तलवार में धार ही नहीं है तो आप कैसे जंग जीतेंगे। तो आप केवल ये ना केयर ना करो कि सर वैकेंसी, ये भी केयर करो कि आपके तलवार में ताकत कितना है। फिर तो वैकेंसी कभी भी आएगा निकाल देंगे। चलो, दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x का 18%, x का 18%, x का 18% और y के 8% का योग। x का 18% और y के 8%, x का 18% और y के 8% का योग। विकास ध्यान से देखिए, x का 22%, x का 22% और y के 36%, y का 36% का एक तिहाई के बराबर है, का एक तिहाई है, इसका एक तिहाई। बोलिए विकास, यहां भागा में 3 है, इधर जाके गुना हो जाएगा। अब कैलकुलेशन शुरू करो। 18 तिया 54x और यहां कितना 22x। 54 में से 22 घटा दीजिए, 54 में से 22 घटाइएगा 32x% आ जाएगा। जी सर आएगा। तो यहां देखिए 8 तिया 24y और यहां आपका 36y। 36y में से आपका 24y घट जाएगा उधर जाके, तो हो जाएगा 12y हो जाएगा 12%। अब देखिए, देखो बालक, परसेंट से परसेंट खत्म। 8 चौका 32, 4 तिया 12 बराबर रहने पे रेशियो लग जाएगा और 3:8 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए लक्ष्मण कुमार लिखे हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। बहुत सुंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। ये देखिए, देखिए लिखा हुआ है, यदि एक संख्या का 60%। अच्छा 60% कौन कौन जानता है कि 3/5 होता है? 60% बराबर 3/5 होता है। कैलकुलेशन में हमने पढ़ाया है, अब हम परसेंटेज में दोबारा पढ़ाएंगे। 60% मतलब 60/100, 20 तिया 60, 20 पचे 100। एक संख्या का 3/5, एक संख्या का 3/5, एक संख्या का 3/5, एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या का 3/4 के बराबर है। सर 3 से 3 ऊपर कटेगा, ऊपर कटेगा, नीचे कटेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4x बराबर 5y बराबर रहने पे रेशियो उलट जाता है 5:4। 2 टर्म रहेगा तो आपको बताए ना, लेफ्ट वाला राइट के पास, राइट वाला लेफ्ट के पास। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी। इस सवाल का जवाब सभी लोग देंगे। लिखा है, जब संख्या a का 50% b में जोड़ दिया जाए तो दूसरी संख्या 25% बढ़ जाती है। संख्या a और b के बीच का अनुपात याद करें। पहले हम आपको नॉर्मल तरीका सिखाते हैं, फिर शॉर्टकट सिखाएंगे। देखिए a का 50%, ए का 50%, ठीक है, बी में जोड़ दिया जाए, बी में जोड़ दिए तो दूसरी संख्या जो बी है बढ़कर 25% बढ़ जाती है। 25% बढ़ने का मतलब 125। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, जोश और जुनून कम नहीं होना चाहिए। तो बोलो शिकारियों, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। और किसी भी संख्या में अपने मन से 1 से गुना कर सकते हैं। और पता है परसेंटेज के रूप में 1 बराबर 100% होता है, क्योंकि परसेंटेज के लिए बट्टा सौ कट जाएगा, बट्टा 100 ऊपर से 100 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 को हम अपनी सुविधा के लिए A का 50%, आपका B का 1 को लिख सकते हैं, B का 100% बराबर हो जाएगा B का 125%, B का 125%। अब बताइए A का 50% बराबर 125 में 100 चल जाएगा तो B का 25% आ जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म, 25 × 50 बराबर रहने पर रेशियो लग जाएगा और हो जाएगा 1:2। लेकिन हम ऐसे कहां बनाएंगे, हम तो लॉजिक सोचेंगे, इतना बड़ा कैसे बनाएंगे। आप खुद सोचो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखो, A का 50% बी में जोड़ दिया जाए, बी में दे दिया जाए तो बी 25% बढ़ जाता है। हम अपना पैसा, ए हम है, आप बी हैं, अगर हम अपना पैसा का 50%, हम अपना 50% आपको दे देते हैं तो आपका 25% बढ़ जाता है, क्योंकि अपने आप में तो आप 100% है। हमने आपको अपना 50% दिया तो आपका पैसा 25% बढ़ गया। तो क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम दिए, तो जो हम दिए वही तो बढ़ा। इसका मतलब है ए जो दिया 50% वही तो बी के पास बढ़ेगा, जो देगा वही तो बढ़ेगा। तो बी का जो बढ़ा है वो ए का 50% के बराबर होगा और बराबर रहने पर रेशियो उलट जाएगा। बताओ ये चीज समझ में आया कि नहीं? बोलो जल्दी, वो बात समझ में आए? वहां पहुंचना है आपको। जब हमने 50% तुमको दिया तो तुम में 25% बढ़ गया, तो जो हमने दिया वही तो बढ़ा, यानी मेरा दिया 50%, आपका बढ़ा 25% के बराबर होगा। चलो नेक्स्ट। अब देखो, लिखा है 2 संख्या तीसरी संख्या से, ये तीसरी संख्या को रिस्पेक्ट दिया है। पहली संख्या बालक, दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। कहता है कि 2 संख्या तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है। तो अगर जिससे अधिक या कम है, जिसके रिस्पेक्ट में, उसको आप 100 मान लो, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। तो तीसरी संख्या को 100 मान लिए। तो पहली संख्या 25% ज्यादा है, तो 100 से 25% ज्यादा 125। दूसरी संख्या 65% ज्यादा है तो 165। अब हमको पहला और दूसरा का रेशो निकालना है, तो आप काट दीजिए। 25 × 25 125, अब 5 से 5 × 15, 5 × 15, 25:33 इस सवाल का उत्तर होगा। आसान क्वेश्चन था, आपके सीट पे एक ही सवाल रखे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखो कि ये कम वाला भी दे सकता है। अगर यहां पर अधिक के जगह कम देगा बालक, अगर अधिक की जगह कम देगा तो आप इसको ऐसे करोगे, ये 100, 25% कम यानी 75, 65% कम यानी 35, फिर आपका रेशियो ये हो जाएगा। तो आपका सवाल एग्जामिनर अधिक भी दे सकता है और कम भी दे सकता है, दोनों स्थिति में आप बनाने योग्य रहेंगे। नेक्स्ट, अब यहां एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लिया गया है लेकिन रेशियो से रिलेटेड है। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 24 है जबकि दो संख्याओं का योग 120 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उन दोनों संख्याओं का अनुपात हो सकता है? तो हमारे सारे बच्चे जानते हैं, सारे शिकारी जानता है कि सर दो संख्या का योग और अंतर दिया रहे, बड़का वाला जोड़ के दूसरे भाग, छोटका वाला घटा के दूसरे भाग। तो अगर हमको x निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग करेंगे सर, तो 120 और 24 144 को 2 से भागा करेंगे। छोटका वाला संख्या निकालना है, घटा के 2 से भाग करेंगे सर, 120 में से 24 जाएगा आपका 96 बटा दो। सर रेशियो में कट जाता है, 16 6 96, 16 9 44 है और यहां 3 3 9 और 3 2 6, रेशियो 3:2। ठीक है, चलिए मेरे सारे शिकारी 3:2 आंसर ले आए हैं। क्लास कब तक है सर? देखो, क्लास तब तक है जब तक कि आपके अंदर एनर्जी है। मेरा तो फुल है भाई, हम तो अभी जवान हैं और जवान लोगों का एनर्जी कम नहीं होता है। अब तुम सोचो, तुम जवान हो कि बुड्ढे हो, कि तुम्हारा एनर्जी क्या है वो तुम समझो। लेकिन जो रियली में मेरा शिकारी है उसका तो एनर्जी कभी नहीं होगा, खत्म। वो तो शिकार करता ही रहेगा, उसको शिकार करने का भूख नहीं मिट सकता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सीजीएल में आया है, आपके दूसरे एग्जाम में भी आ सकता है। देखो, सी के वेतन उसके वेतन का 1/4 कर है और उसकी बचत वेतन का 1/3 है, तो व्यय और बचत का रेशियो ज्ञात करना है। देखिए, सी के वेतन पर उसके वेतन का 1/4 कर है, कर मतलब टैक्स। तो आप ये करो, टैक्स है, आप एक काम करो, जब कभी भी क्वेश्चन बट्टा में करके दे तो ऐसा डाटा लेना जो 4 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 4 और 3 से कटने वाला संख्या ले लेंगे, वेतन 12 ले लिया। अब उसके वेतन का 1/4 टैक्स है, तो टैक्स कितना है? तो टैक्स वेतन का 1/4, तो 12 का 1/4 टैक्स, तो 12 का 1/4 आपका 3 है, ये टैक्स 3 है। और कर है, और उसका बचत वेतन का 1/3 है, बचत जो है उसके वेतन का 1/3 है, तो 12 का 1/3 आपका हो जाएगा 4, बचत हो गया 4। तो खर्च कितना किया? खर्च कौन बतलाएगा? सोचो, 12 तुमने कमाया, 3 रुपया सरकार को टैक्स दिया, 4 रुपया आपने बचा लिया, 4 3 7 खत्म, बच गया 5। तो आपसे पूछा क्या है? बचत, खर्च और बचत का रेशियो। तो खर्च 5 और बचत 4, आंसर हो जाएगा 5 4। देखो, रेशियो जिस सीक्वेंस में पूछेगा उसी सीक्वेंस में आंसर देना। पहले व्यय बोला है, फिर बचत बोला है, तो व्यय से बचत का रेशियो, तो व्यय से बचत का रेशियो, व्यय 5 बचत 4, आंसर 5:4। चलिए आइए बालक, नेक्स्ट सवालों की ओर। अब यहां से यहां तक आपका फर्स्ट समझ लो हम लोगों ने 20% खत्म कर लिया। अब आगे सुनो, आपका कॉन्सेप्ट है, अब यहां से कॉन्सेप्ट है। देखो, आपका कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से देखो। कि अगर मान लिया जाए 3 व्यक्ति है, A, B और C, इसके बीच एक धन बांटा गया, 3:4:5 3:4:5 और इनका कुल योग 3600 रुपया है। इनका कुल योग कितना है? 3600। आपसे पूछ रहा है सी के हिस्से में क्या है, सी के हिस्से में क्या है वो पूछ रहा है। तो आप इसको रेशियो हटाइएगा तो एक वेरिएबल लगेगा, इसका 3x, इसका 4x और इसका 5x। और यहां टोटल योग 3600, यहां 5, 4, 9, 3 12x बराबर आपका 3600, 12x बराबर 3600, x बराबर 300, यानी x बराबर 300 आ गया। तो c का धन है 5x और x का मान 300, तो ये आपका हो जाएगा 5×3=1500। ये हमारे बचपन का रूल था, हमारे सर ऐसे ही पढ़ाते थे सर कि अगर रेशियो दिया है तो x मान लेंगे और उसके बाद दिया हुआ है उसको बराबर कर देंगे जो, और उसके बाद x का मान निकाल के उस निश्चित अनुपात में गुना कर देंगे। लेकिन अब हम लोग कंपटीशन में हैं, तो आपके प्रश्न में दो चीज दिया रहेगा। इसको बोलते हैं अनुपातिक राशि, इसको बोलते हैं अनुपातिक राशि। इसको क्या बोलेंगे पार्टी, बच्चा पार्टी, अनुपातिक राशि। और इसको बोलेंगे क्या? निश्चित राशि। इसको बोलेंगे अनुपातिक राशि और इसको बोलेंगे निश्चित राशि। आगे सर, आगे यह है कि आपके प्रश्न में दो चीज दिया रहेगा, पूरे रेशियो नहीं पूरे अर्थमेटिक में यह रहेगा, एक अनुपातिक राशि और एक निश्चित राशि। निश्चित राशि की तुलना मतलब निश्चित राशि का कंपैरिजन, निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से करते हैं। निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से करेंगे, निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से करते हैं, निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से करेंगे और जो निकालना है उसको गुना करेंगे, जो ज्ञात करना हो उसको गुना करते हैं और आपका उत्तर आ जाता है। जिसको निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से और जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। तो देखिए निश्चित राशि कितना है 3600, अनुपात कितना है 3, 4, 5। यहां दिया है तीनों के पास ए बी और सी के पास टोटल जो है वो आपका 3600 है, यहां टोटल है 5, 4, 9, 3, 12। टोटल का तुलना टोटल से, जिसको भी निकालना हो उसको करते हैं गुना। तो गुना किसको करेंगे? सी को। तो 5 से गुना, 12×3=36 और 5×3=15। कोई एक्स वेक्स नहीं मानेंगे, कुछ एक्स नहीं मानना है। आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न में एक अनुपातिक राशि देगा और एक निश्चित राशि देगा, निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से और जिसको निकालना है उसको करेंगे गुना। क्लियर? जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो सारे शिकारी यस टाइप करेंगे। एक लड़का है, वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है? सत्येंद्र कुमार, आसान क्वेश्चन करा के ठगिए मत। ये सत्येंद्र कुमार हैं, एक हमारे प्यारे बालक है, शायद मुझे जानते नहीं है। वो लिख रहे हैं कि सर आसान क्वेश्चन करा के ठगिए मत। मेरे भाई, सबसे पहली बात तो मैंने कोई आसान क्वेश्चन और ये की बात नहीं करना चाहिए था आपको। सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2022 का और आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। अब ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, एमटीएस का क्वेश्चन है और ये आपका सीएचएसएल का क्वेश्चन है। और मैं आपको सिर्फ यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा बात भी आपसे कर रहा हूं। आप कभी मेरे क्लासरूम में आके दे पूछना हम कहां से शुरू करते हैं और कहां पे ले जाके खत्म करते हैं, पहले इसका पता करो। भाई मेरे ये रेशियो का पहला क्लास है, रेशियो का पहला क्लास है और आपका पहला क्लास में आप मुझे ये बताओ कि कैसे हम डायरेक्ट आसमान में चढ़ जाएं। क्या उन बच्चों को साथ लेके नहीं चलूं जो बिल्कुल भी कभी रेशियो पढ़े ही नहीं है, आज उनका पहला क्लास था। तो क्या मुझे रेशियो का थ्योरी शुरू से नहीं स्टार्ट करना चाहिए था? भाई जितना तुम, क्या बताऊं मैं, छोड़ो हटाओ, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं रहेगा। अपने बारे में मेरे बच्चे जानते हैं कि हम क्या हैं। ये आज पहला क्लास है, आप देखना कि मैं इसको कहां तक लेके जाता हूं। आप पहले क्लास से किसी को जज कैसे कर लिए? मैं यूट्यूबर नहीं हूं और ना यूट्यूब का टीचर हूं। मुझे जरूरत भी नहीं है यूट्यूब पर आके पढ़ाने का। मेरा अच्छा खासा ऑफलाइन बैच चलता है, बहुत अच्छा, और इतना अच्छा कि मुझे टाइम ही नहीं है यूट्यूब पे आने का। लेकिन फिर भी अपने बच्चों के एग्जाम के लिए मेहनत, जो उसका एग्जाम है नजदीक में, जीडी है एग्जाम, उसका बिहार एसएससी का एग्जाम है, उसके लिए मैं अपने नींद को खराब करके उनको पढ़ाने आया हूं। और आप लिख रहे हैं सर ठगिए मत, इसमें मैं ठग के क्या करूंगा? और एक टीचर कभी किसी विद्यार्थी को ठगता नहीं है। टीचर, एक जो सच्चा टीचर होता है वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है। आप शायद मुझे पहचानते नहीं हैं, शायद मुझे जानते नहीं हैं। कभी मेरे असाइनमेंट लेके देखो, जहां भी तुम पढ़ते हो ना, आधा हिसाब तुमसे नहीं बनेगा। चलो बनाइए, और ये बैच मेरे लिए पैसे वाले बैच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ऑफलाइन में ईश्वर की कृपा से उतना पैसा आ जाता है कि मुझे जरूरत नहीं है इधर उधर करने का। लेकिन बच्चे से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव है, और इसके लिए आप यहां पर रुको तो सही, मैं आपके क्लास को कहां तक लेके जाता हूं आप वो भी देखो, और सीजीएल के मेंस तक आपके साथ रहेंगे। आपको हम जीडी से शुरुआत किए ना, कहीं पे सादे कागज पे लिख लो, अगर जिंदा रहा तो जीडी से शुरुआत किए चला और सीजीएल तक तुमको ही ले जाएंगे। जो बालक मेरे साथ अगर मेहनत करने के लिए तैयार है, यहां से शुरू किए हैं, यहां तक नहीं ले गए तो पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा, बशर्ते मेरी सांसें चलनी चाहिए। देखो, एक बल्ले और एक गेंद की कीमत 9:5 है। बल्ला आपका, बल्ला का कीमत 9 और गेंद का कीमत 5। बल्ला का कीमत 9 और गेंद का कीमत 5। और यहां लिखा है कि बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 अधिक या कम, मतलब होता है अंतर। अधिक या कम मतलब क्या होता है? अंतर। यहां अंतर 380 का, और यहां अंतर कितने का है? तो यहां अंतर 4 का है। आपसे पूछा है कि गेंद की कीमत ज्ञात करिए। गेंद की कीमत मतलब 5 से गुना करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो ये 4 × 36 और 4×5 20, 5×5 25, 9×5 45, 247, 475। इस सवाल को उत्तर सी ऑप्शन होगा। देखो, एक लड़का कह रहा है सर इतना गुस्सा मत करिए सर, हम लोग रोने लगेंगे। भाई सत्येंद्र कुमार पे गुस्सा हम किए तो इसका ये मतलब नहीं है। कि हम उससे नफरत करते हैं। पता है गुस्सा कहां होता है? जहां बहुत प्यार होता है। मैं अपने विद्यार्थी को ऑफलाइन क्लास में मैं जितना गुस्सा कर लेता हूं, शायद ही शहर के कोई टीचर कर पाते होंगे। फिर भी उस बच्चे का लगाव मेरे से इतना बढ़ चुका है। आप कभी ऑफलाइन मेरे साथ आएंगे तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं अपने बच्चों से। और हमारे और बच्चे के बीच इतना बॉन्डेशन बढ़िया हो चुका है कि उस प्यार के कारण ही आज हम इस मुकाम पे हैं। तो गुस्सा वही किया जाता है जहां प्यार बहुत होता है। जहां प्यार ही नहीं, जहां अपनापन ही नहीं, वहां गुस्सा किस बात का? यहां देखिए, 4500 रुपया को 4 दोस्तों में 6432 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे छोटा हिस्सा पाने वाले व्यक्ति की धनराशि क्या है? देखो एमटीएस का सवाल है। यहां देखिए आपको सबसे पहले इसको रेशियो को सरल करना पड़ेगा। 6432 का एलसीएम सर 60 होगा, 60 होगा। 60 लाने के लिए 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 30 दुना 60। यहां टोटल 4500, यहां टोटल 30 20 50 और 10 60 और 15 75। और आपसे पूछा है सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा 10 हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 दूना 10, 3 दूना 600। देखो हम बेसिक सवाल भी आपको पढ़ाएंगे, कठिन सवाल भी पढ़ाएंगे, लेकिन जब छोटा छोटा लक्ष्य प्राप्त करते हैं ना तो बड़ा लक्ष्य ऐसे पहुंच जाते हैं। तो अभी हम पहला सीढ़ी चढ़ रहे हैं रेशियो का, कल दूसरा सीढ़ी चढ़ेंगे, परसों पार कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, इसको बताओ हम एमटीएस से शुरुआत किए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आगे भी पढ़ेंगे। देखिए यहां लिखा है 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उन दोनों का योग 180 है। दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या है? तो देखिए, अच्छा सबसे पहले बताओ दोनों का अंतर कितना है? 4। तो आप गुना किससे करेंगे? 4 से। तो मेरा वही उत्तर जाएगा जो 4 से कटता हो। ये 4 से नहीं कटता, ये 4 से नहीं कटता, ये दोनों आंसर हो सकता है, ये दोनों तो कभी नहीं हो सकता। दोनों संख्याओं का योग 180, यहां दोनों संख्याओं का योग 10, 0 से 0 खत्म, 18 चौका 72, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बताइए, इस सवाल का उत्तर दो। देखो हम इस सवाल को क्यों लिए हैं आपके सीट पर, वो समझो। आपसे पूछा है सी और डी को प्राप्त कुल राशि क्या है? तो सी और डी आपका कितना है? 8 7 15, यानी हमको 15 से गुना करना पड़ेगा। हमको 15 से गुना करना पड़ेगा बालक, क्योंकि सी और डी का कुल राशि पूछा है। तो 15 से गुना करेंगे तो यानी 15 से कटने वाला आंसर आएगा, और जो 15 से कटेगा वो 3 से भी कटेगा। तो 6 3 9 1 10, ये 3 से नहीं कटता है। 6 1 7 1 8, ये भी 3 से नहीं कटता है। 5 3 8 1 9, ये 3 से कटता है। 6 1 7, ये 3 से नहीं कटता है। बिना बनाए हुए आंसर दे सकते हैं इसको। इस सवाल का उत्तर डी ऑप्शन होगा। अब सोल्व करना चाहते हो तो ऐसे सोल्व करेंगे। 408 रुपया के बारे में क्या बोला? 408 रुपया में बोला कि डी को बी से 408 रुपया अधिक मिलता है। यहां देखो डी को बी से कितना अधिक मिलता है? 4 4, और बी सी और डी को कितना मिलता है? 15। 4 से काट दीजिए 102 बार में, तो जाएगा 15 दूना 30 और ये 1500। आपका आंसर डी। जो हम पहला बात समझाए, डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बताए कि 8 7 15 से कटने वाला ऑप्शन होगा। ये बात आपको समझ में आया? एक बार जरा यस टाइप करो, एक बार यस टाइप करो। रैंक बिल, रैंकर बिल सर ऐप कब आएगा प्लीज बताइए। भाई मैं आपके ऐप के लिए खुद परेशान हूं और रिव्यू में है। अभी एप्लीकेशन बन गया ठीक से, उसका सारा वीडियो डल रहा है। सारा वीडियो डालने के बाद प्ले स्टोर उसका रिव्यू लेता है। जिस दिन रिव्यू ले लेगा आपका एप्लीकेशन अपने आप लाइव हो जाएगा और आपका क्लास पहले जैसा चले। चलिए इस सवाल को, तीन संख्याओं का अनुपात 1 बटा 4, 5 बटा 6 और 1 बटा 3 है। आप मुझे बताओ कि इसका एलसीएम क्या होगा? पहले तो रेशियो निकालो। 4 6 3 का एलसीएम 12, 12 लाने के लिए 3 से गुना, 12 लाने के लिए 2 से गुना, 5 दूना 10, 12 लाने के लिए 4 से गुना, 4 एकम 4। यहां देखिए, यहां संख्याओं का योग 68, यहाँ 10 4 14 3 17 पहली संख्या 3 और इसका भी निकालना है 1/3 तो 3 से 3 कैंसिल 17 चौका 68। इस सवाल का उत्तर 4 ऑप्शन हो जाएगा। सतेंद्र भाई एक बार सॉरी तुम्हारा देख लिए, अब जरूरत नहीं है। और सॉरी किस बात का? सॉरी किस बात का? आपने आपके दिमाग में जो आया वो आपने बोला, मैंने आपको समझाया और आपने गलती स्वीकार कर लिए, वही सॉरी है। और आप मन लगा के पढ़िए और रिजल्ट लीजिए, वो सबसे बड़ा सॉरी रहेगा। ठीक है, तो आप पढ़ो ठीक से भाई, जरूरत नहीं है। जहां प्यार है वहां गुस्सा होता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं कोई दिल पे नहीं लेता, आपको भी दिल पे लेना नहीं है। आपका बड़ा भाई आपको डांटा, आपने डांट सुना, आप उस बात को अमल किया, बात खत्म। चलो यहां बनाओ, 3400 रुपया की राशि को पी और क्यू के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि P के हिस्से का 3/4 Q के हिस्से का 2/3 के बराबर है। बस सर सिंपल, P के हिस्से का 3/4 P के हिस्से का 3/4 Q के हिस्से के 2/3 के बराबर है, Q के हिस्से का 2/3 के बराबर है। सर क्रॉस गुना करेंगे तो 9P = 8Q हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, रेशियो हो जाएगा 8:9। आपको कह रहा है P और Q के बीच अंतर निकालना है। यहां टोटल 3400 है, टोटल 3400, यहां टोटल 17। अंतर निकालना है तो 9 और 8 में 1 का अंतर, 17 दूना 3400। सवाल का उत्तर 200, सवाल का उत्तर 200। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला टाइप खत्म करके जाना। अक्षय आर्मी लवर, ये वाला टाइप खत्म कर लो, उसके बाद जाना। पहले ये वाला टाइप खत्म कर लो। 25 क्वेश्चन करवा दिए ना, ठीक है। आपका बाकी का जो सवाल है ना, इसी के जैसा है। ठीक है, तो आप सभी लोग को हम एक पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, कल आप जो है इसमें बना के आना 41 तक। होमवर्क लिखो, सभी लोग होमवर्क लिखो, कल भी क्लास करना है आपको। होमवर्क लिखो सभी लोग, होमवर्क है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूं, ठीक है। पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे। पीडीएफ टेलीग्राम पे दे रहा हूं, और आपका टेलीग्राम का नाम क्या है? मैथ्स विद श्रवण कुमार। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, मैथ्स विद श्रवण कुमार, ठीक है। और आप जो है एक काम करना कि होमवर्क लिखना 1 से लेकर आपको 41 तक बना के आना है। 1 से लेकर 41 तक कल होमवर्क करके आना है। कल भी क्लास रहेगा, संडे भी क्लास है, संडे को भी क्लास होगा, संडे को भी क्लास होगा। कितने बजे से होगा? 8 बजे से, 8 बजे रात में, ठीक है, 8 PM में। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप लाइक करके जरूर जाइएगा, और कमेंट में आप लिखिएगा कि आपको कितना अच्छा लगा क्लास, ये क्लास से आपको क्या फायदा हो रहा है। और कमेंट में अगर आप अच्छे से कुछ बात लिखिएगा तो मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा, और कुछ सजेशन हो तो वो भी लिखिएगा। अगर मेरे अंदर कोई बुराई हो तो वो भी लिखिएगा, सर ये दिक्कत है, इसको सही कर लीजिए। बस एप्लीकेशन वाला कुछ मत लिखना, एप्लीकेशन के लिए हम पहले से बता दिए हैं कि एप्लीकेशन आपका जल्दी ठीक हो जाएगा, हो चुका है, रिव्यू केवल ले रहा है। जिस दिन आपका रिव्यू ले लेगा तो आपका फिर लाइव हो जाएगा वो एप्लीकेशन। तो आप लोग कमेंट जरूर करना, लाइक करके जाना, और अपने दोस्तों को भी बताना कि क्लास हम लोगों का बहुत खतरनाक स्टार्ट हो चुका है, और इस पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कल संडे को भी क्लास रहेगा, कितने बजे? 8 बजे। और कल होमवर्क करके आना 1 से लेकर 41 तक। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। और कल और जोश और जुनून के साथ आना। नींद बात जो जिस बच्चे को नींद आता है वो थोड़ा सा एक बोतल में गर्म पानी करके साथ में रखेगा, जब नींद आएगा थोड़ा थोड़ा पानी पी के नींद को खत्म करेगा। 2 घंटा में तुम लोग को नींद आता है, कल 3 घंटा पढ़ना है।